हेलो एवरीवन, आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं बहुत, सो आज मैं सिलेक्टेड पॉइंट्स लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर इंश्योरेंस कंपनी, फॉर अदर सेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं हम कमीशन क्या होते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, कमीशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि आपने एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, DL बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, और आपको क्या है, गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, परंतु फिर भी आपने, आपके पास क्या है, DL है। सो आपने क्या किया, वो DL कैसे बनवाया होगा, एक एजेंट के थ्रू बनवाया होगा। एजेंट के थ्रू मतलब कि उसने, आपने उसको पैसे दे दिए होंगे और उसने उस पैसों को थोड़ा सा अपने पास रख कर, और जितने पैसे रियलिटी में DL के ऊपर लगने होते हैं उतने पैसे उसने लगा दिए। मीन्स कि एज ए एजेंट उसने क्या किया, कमीशन चार्ज किया, बीच में दलाली का काम किया। दूसरे एग्जाम्पल मैं आपका लेती हूँ, जैसे कि शेयर्स होते हैं, शेयर्स को परचेज करने के लिए आप डायरेक्ट कंपनी के अंदर से शेयर नहीं परचेज करते, आपको क्या है, एक एजेंट की नीड होती है, और एजेंट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हो। जो ब्रोकर होता है, जो मिडल मैन होता है, जो ब्रोकर्स को जो पैसा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम कमीशन बोलते हैं। सो यहाँ पढ़ते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजली एंटर्ड इनटू द थ्रू अ एजेंट। ये कहते हैं कि इंश्योरेंस तभी होता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जब एक एजेंट होता है। बच्चों, जब एजेंट होगा तभी गाइस, तभी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो एंटर कर सकते हैं, तभी वो कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करवा सकता है। तो ये कहते हैं कि दे पेड अ कमीशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ अ बिजनेस दे आर टीचिंग। ये कहते हैं कि जितना अमाउंट पेड किया जाता है कमीशन को, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जैसा हमारा बिजनेस है वैसा ही हमारा क्या कर सकते हैं, कमीशन हमें देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, एजेंट को देना पड़ेगा। रिसेंट में जब 2020 चल रहा है, जो ब्रोकर है DL के, वो कितने पैसे, 1200 रुपये लेते हैं एक DL के बनवाने से, और 2000 तक अमाउंट रिसीव करते हैं वो बीच में एज ए ब्रोकर। एजेंट को हमने दिए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर डायरेक्ट होता है, कहाँ पर होता है, हमारे एम्प्लॉय के ऊपर भी हो सकता है, हमारे बिजनेस के ऊपर भी हो सकता है। एक ऐसा एक्सपेंसेस जो सीधा रिलेट किससे करता है, हमारे बिजनेस से करता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू टेक टू द रिवेन्यू। ये कहते हैं कि ऐसा एक्सपेंसेस जो कि सीधा किससे रिलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस से रिलेट करता है, या फिर कोई और बिजनेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक बता रही हूँ, ये सभी बिजनेस से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सभी के लिए एक जैसा होता है, जैसे कि एम्प्लॉई सैलरी होती है, एम्प्लॉई को सैलरी देना है, या फिर ट्रैवलिंग खर्चा, यातायात का खर्चा होना, ट्रेन का एक्सपेंसिस होता है, ये सारे केस में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम क्लेम के बारे में, जो इंश्योरेंस का टॉपिक है। क्लेम क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे हमारा, हमने इंश्योरेंस कराया था 50,000 का, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। ये जो 50,000 हमारा जनरल इंश्योरेंस का है, जो ये 50,000 हमने किसका इंश्योरेंस करवाया, कार का, और कार का हो गया एक्सीडेंट, तो उस एक्सीडेंट को देखकर इंश्योरेंस कंपनी उसको जांच पड़ताल करेगी, कितने कहीं अमाउंट उसने क्या किया है, लॉस में गई है। मान लो कि 25,000 रुपये उसका क्या है, लॉस हो गया, शीशे से टूट गए या फिर कुछ और गया, तो मतलब टोटल कितना लॉस हो गया है, 25,000 का हो गया है। तो इतने ही अमाउंट को क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी उस इंश्योर्ड पर्सन को देगी जिसने इंश्योरेंस करवाया था। तो ये होता है क्लेम, एक ऐसी अमाउंट जो लॉस को कवर करने के लिए कंपनी ऐसे व्यक्ति को देती है जिसने उस कंपनी के अंदर क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। समझ में आई बात, तो यहाँ पे देखिए, और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो हमें पूरा ही मिलता है, चाहे कितना ही हुआ हमें। तो लाइफ इंश्योरेंस का तो मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो के अंदर, सो आप जरूर देखिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। क्लेम मीन्स द अमाउंट पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये कहते हैं कि क्लेम का मतलब होता है कि एक ऐसी अमाउंट जो कौन पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। किसको करती है, इंश्योर्ड पर्सन को करती है। अरे इसके केस क्या है, एक इंश्योरेंस होता है लाइफ के अंदर, एक इंश्योर होता है जनरल के अंदर। लाइफ और जनरल का मतलब क्या होता है, अमाउंट पे ऑन एक्सपायरी ऑफ ए टर्म ऑफ ए पॉलिसी। ये कहते हैं कि अमाउंट दिया जाता है या तो टर्म की एक्सपायर होने, मतलब कि जो हमारा डॉक्यूमेंट था, जो हमारी पॉलिसी है, तो उसकी एक्सपायर हो जाएगा, या फिर उस पॉलिसी होल्डर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जो भी पहले आएगा उस
भी, जैसे कि मैंने आपको 50 और 48 का एग्जांपल लेते, एक तो 50 मतलब उसने बोला था कि जब तक मैं 50 साल का नहीं होता तब तक मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, बट उसकी डेथ 48 में ही हो गई थी, तो 48 पर ही उसे इंश्योरेंस मिल जाएगा, इंश्योरेंस की अमाउंट मिल जाएगी, अगर नहीं होती है तो 50 पर मिल जाएगी, ओके। और इन केस होता जनरल के अंदर आता कि अमाउंट पे ओनली हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, ये कहते हैं कि जब तक कुछ ना कुछ घटित ना हो जाए, जब तक कुछ ना कुछ कारण ना हो जाए कि हमारी इस कारण से हमारा नुकसान हुआ है, तब तक उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो क्लेम का मतलब आ गया समझ में। अब आते हैं एन्यूटी, बहुत ही इंटरेस्टेड है एन्यूटी। एन्यूटी एज क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है किसके लिए, इंश्योर्ड पर्सन के लिए, इंश्योर्ड के लिए। समझिए कैसे, मान लो कि यहाँ पे समझिए, जैसे कि हम कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं, मान लो कि आपने अकाउंट का ट्यूशन लगा रखा है, वो कहते हैं कि पूरे साल की तो फीस भाई 15,000 रुपये है, पूरे साल की फीस कितनी है 15,000 रुपये, अगर आप इसको 5 भागों में दोगे, 3,000-3,000 करके, 3K 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 3,000-3,000 करके इसको 5 महीनों में दोगे तो क्या होगा, आपको फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 15,000 को 5 महीने में पे किया है 3,000-3,000 करके, तो आपको फुल अमाउंट पर पे करनी पड़ेगी, फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप इकट्ठा दे देते हो, 15 का 15,000 दे देते हो आप मुझे अभी, तो आपको 14,200 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, मीन्स की 800 रुपये का क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट ले लिया। ये तो है हमें जब पैसे देने होते हैं, अगर हमें पैसे लेने होते तो भी ऐसे ही होता। अगर आप इकट्ठा ले लेते हो, अगर आप इतना कर देते हो, ऐसे करते हैं ना कि ऐसे ऐसे स्कीम्स होती है उनका जो बेनिफिट होता है उसमें एन्यूटी मिला होता है। एन्यूटी का मैं आपको यहाँ पे देखिए कि एनुअल पेमेंट विद एन इंश्योरेंस कंपनी गारंटी टू पे टू इंश्योर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ इज ए कंसिडरेशन टू द ऑफ द सम लमसम अमाउंट। ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है पेमेंट करने के लिए, एनुअली पेमेंट मतलब कि इकट्ठा पेमेंट करने के लिए किसे करती है, इंश्योर्ड पर्सन को देती है, जब वो क्या करेगा एक लमसम अमाउंट मतलब कि इकट्ठी अमाउंट क्या करेगा उसे दे देगा तो इंश्योर्ड जो इंश्योर्ड है ना जो स्टार्टिंग में इकट्ठी अमाउंट दे देगा तो क्या करेगा उसे एक एज ए डिस्काउंट या फिर उसे बोनस मिल जाएगा। जैसे कि एक पर्सन है, पर्सन ने डिपॉजिट किए इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 1,00,000 रुपये कर दिए और उसने बोला कि अगर आप इकट्ठा 1,00,000 रुपये करोगे तो आपको गारंटी देते हैं कि आपको 20,000 इसका क्या है एक्स्ट्रा में मिलेगा, उसकी 120 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा एन्यूटी। समझ में आ रही है बात।